हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th। टुडे वी विल डिस्कस द सम पॉइंट्स ऑफ इंटरनेट। फर्स्ट, वेब सर्वर। वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर वेब पेजेस टू व्यूअर अपॉन रिक्वेस्ट। The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user. This intercommunication is done using hypertext transfer protocol. Web server are computer that deliver web pages. Means वेब सर्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम वेब पेजेस को स्टोर करके रखते हैं। अब वेब पेजेस को स्टोर कहां पे करते हैं हम? इंटरनेट पर। यानी कि इंटरनेट पर एक वेब सर्वर की बहुत बड़ी मशीन होती है, जिस मशीन के अंदर हम सभी वेबसाइट्स के डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस URL के अंदर हम www.google.com, www.youtube.com, www.facebook.com, अब जो वेबसाइट हम जहां पर इनको एंटर कर रहे हैं या इनपुट कर रहे हैं, अब वो वेबसाइट हमें कहां से ओपन हो रही है? वो वेबसाइट हमें वेब सर्वर से मिल रही है। यानी कि ये सारा का सारा डाटा कहां से होता है इंटरनेट पर? वेब सर्वर के अंदर जाके। मींस फर्स्ट, www.google.com का एक फर्स्ट वेब सर्वर। सेकंड, www.youtube.com का सेकंड सर्वर। थर्ड, www.facebook.com। अब तीनों का अपना क्या है? अलग अलग वेब सर्वर है। यानी कि इन तीनों का डाटा अलग अलग वेब सर्वर के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। दिस इंटर कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? HTTP का। अब HTTP क्या करता है? इन सभी वेबसाइट्स को ओपन करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जो डेटा हमने URL के अंदर एंटर किया है, उस डेटा को वेब सर्वर तक कौन लेके जा रहा है? उस डेटा को HTTP वेब सर्वर तक लेके जा रहा है। वहां से फिर हमें वेब सर्वर रिस्पोंड करेगा कि जो डेटा हमने एंटर किया है उसके बदले में हमें आउटपुट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लिखते हैं कि www.youtube.com, तो यहां से YouTube की साइट ओपन हो गई और YouTube पे जाके फिर हमने कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, कोई भी मूवी प्ले करनी है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना है, तो वो सभी डाटा हमें कहां से मिल रहा है? वो सारा का सारा डाटा हमें वेब सर्वर से मिल रहा है। वो सारा सारा डाटा हमें कौन दे रहा है? वेब सर्वर दे रहा है। कहां पर? इंटरनेट पर। यानी कि इंटरनेट पर हम जो डाटा सेव करते हैं, वो सारा का सारा डाटा हमारा कहां सेव होता है? वेब सर्वर के अंदर जाकर सेव होता है। वेब सर्वर वो सारा का सारा डाटा हमें प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट वन कनेक्टेड टू ईच अदर। ए कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर अदर कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर। मीन्स एक या एक से ज्यादा आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के ग्रुप को हम नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर का यूज करके हमें 10 कंप्यूटर्स को ऐड करना है। अब एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर कैसे ऐड हो सकते हैं? तो एक सबसे पहले हम एक पावरफुल कंप्यूटर रेडी करेंगे। मींस पावरफुल कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रेडी होना चाहिए? एक CPU पावरफुल होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छी रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए। मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो उस पावरफुल कंप्यूटर की, वो बेस्ट होनी चाहिए ताकि जो उसके साथ हम कंप्यूटर्स को अटैच करेंगे वो इजिली वर्क कर सकें।
अब उन सभी के अंदर कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए, यानी कि केबल चाहिए। केबल का यूज करके हम क्या करेंगे, उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो जो हमने पावरफुल कंप्यूटर जो रेडी किया है, जो तैयार किया है, तो उस पावरफुल कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सर्वर। उस कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, सर्वर। और जो कंप्यूटर सर्वर के साथ ऐड हुए हैं या कनेक्ट हुए हैं, तो उन कनेक्टिंग कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट मशीन। जो कंप्यूटर सर्वर के साथ ऐड हो चुके हैं, उन मशीन्स को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट मशीन। फॉर एग्जांपल, ए कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट द अदर कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि वो दोनों कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो हमारे पास जो कंप्यूटर हमने सर्वर के साथ ऐड किए हैं या कनेक्ट किए हैं, किसी भी 7th पीसी को या 8th पीसी को प्रिंट आउट निकालना है, तो वो प्रिंट आउट की कमांड कहां सेंड करेगा, वो सर्वर के पास सेंड करेगा। जो कमांड सर्वर के पास पहुंची है, तो वो कमांड कैसे पहुंची, वो नेटवर्किंग के जरिए पहुंची है। यदि हमने नेटवर्किंग ही नहीं की होती, वो कमांड सर्वर के पास कैसे पहुंचती, तो केबल का यूज करके हमने सभी कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग की, और नेटवर्किंग के जरिए हम उनके बीच में क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। इट इज द कंबिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर। अब इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किस लिए, डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, बिटवीन द कंप्यूटर, यानी कि एक से या एक से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेक्स्ट, वेब पेज। ए वेब पेज इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्ले बाय ए ब्राउजर। सच डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन द HTML लैंग्वेज। ए वेब पेज डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक टू वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्यूएबल बाय एनीवन कनेक्टेड टू इंटरनेट हैविंग ए वेब ब्राउजर। इट कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट, टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो एंड साउंड एक्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं हम वेब पेज की, तो वेब पेज क्या होता है, जिस डिजिटल पेज को हम वर्ल्ड वाइड वेब पर शो करते हैं, यानी कि इंटरनेट पर हम शो करते हैं, तो उस पेज को हम क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। अब ये वेब पेज हमारा कैसे रेडी हुआ, वेब पेज को रेडी करने में HTML ने हमारी हेल्प की, यानी कि जितने भी कंटेंट हम रेडी करते हैं वो कंटेंट कहां पे जाके रेडी होते हैं, HTML के अंदर। तो HTML के अंदर रेडी होने के बाद हमारा क्या तैयार हो जाता है, एक डिजिटल पेज। अब उस डिजिटल पेज को हम कहां पर शो करेंगे, इंटरनेट पर शो करेंगे या WWW पर शो करेंगे। तो जैसे ही वो पेज इंटरनेट पर रेडी हो जाता है, तो रेडी होने के बाद उस पेज को हम क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। अब HTML के अंदर हमने कौन कौन से कंटेंट का यूज किया है, टेक्स्ट का, इमेज का, पिक्चर्स का, लिंक्स का, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम HTML का यूज करके डिजिटल पेज रेडी करके उसको इंटरनेट पर दिखाकर वेब पेज का यूज कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेब पेज। अब कंपोनेंट्स की बात आती है, तो फर्स्ट है कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ ए वेब पेज आर हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। अब फर्स्ट कंटेंट के अंदर हम हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट के बारे में हमने पहले भी रीड किया था कि हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में हमारी कौन हेल्प करता है, हाइपर टेक्स्ट हेल्प करता है। एंड देन अब हाइपरलिंक, अब हाइपरलिंक की बात करें तो व्हाट इज हाइपरलिंक, किसी भी अदर लिंक को ओपन करना, दिस इज हाइपरलिंक। यानी कि किसी भी सेकंड पेज को, यानी कि हमें किसी भी लिंक को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइपरलिंक का यूज करेंगे। एंड हाइपर टेक्स्ट रेफर टू ए डिजिटल टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट इज ए डिजिटल हाइपर टेक्स्ट refer to a digital text which is more than just text as it can include information in various media format, change text
ग्राफिक, साउंड, इमेज, वीडियो, हाइपरलिंक। अब कंटेंट वाइज के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इमेज का, टेक्स्ट का, पिक्चर्स का, हाइपरलिंक का एंड एक्सेट्रा। सेकेंड है स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज द कॉम्पोनेंट्स आर पेज का टाइटल, हेडर, बॉडी ऑफ द वेब पेज, नेविगेशन लिंक एंड फुटर। अब स्ट्रक्चर वाइज की हम बात करें तो HTML के अंदर हमने जिन कंटेंट का यूज किया था उन सभी कंटेंट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर वाइज कॉम्पोनेंट। यानी कि वेब पेज को रेडी करने में हमारी हेल्प कौन करना है, स्ट्रक्चर वाइज। अब स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट कौन कौन से होते हैं, हमारे पेज का टाइटल। यानी कि जब भी हम किसी भी वेब पेज को रेडी करने हैं तो वेब पेज के अंदर पेज का टाइटल जरूर होना चाहिए। सेकंड हेडर। अब हेडर की हम बात करें तो बिना हेडिंग के हमारा कभी भी कोई भी वेब पेज रेडी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेसन नंबर फर्स्ट, तो लेसन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हुआ, हेडिंग हुआ। थर्ड बॉडी ऑफ द वेब पेज। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या होती है, जैसे हम लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर जो मैटर रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो मैटर हमारा क्या है, बॉडी के अंदर बॉडी है, बॉडी ऑफ द वेब पेज। यानी कि वेब पेज की बॉडी, जो मैटर, जो पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं उस मैटर को हम क्या करेंगे, बॉडी। नेविगेशन लिंक, यानी कि जिस लिंक का यूज करके हम किसी भी अदर लिंक को ओपन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन लिंक। फुटर, फुटर यानी कि पेज के सबसे नीचे जो मैटर हम राइट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फुटर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल, इस सेट ऑफ रूल विच इज यूज बाय द कंप्यूटर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और डेटा विद ईच अदर अक्रॉस बाय द नेटवर्क। ए प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कम्युनिकेट द ईच अदर। मीन्स प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो बता रहा है कि डाटा को ट्रांसफर कैसे करना है, किस वे में करना है। यानी कि जो हमें बता रहा है कि डाटा को कैसे ट्रांसफर करना है, कौन कौन से रूल लगेंगे, इस सेट ऑफ रूल्स यानी कि जो रूल्स डिसाइड किए जाते हैं डाटा को ट्रांसफर करने में, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। मीन्स एक सेट ऑफ रूल विच इज यूज बाय द कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर पर जो रूल इंप्लीमेंट किए जाते हैं, किस लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए विद अदर, एक दूसरे के बीच में, अक्रॉस द नेटवर्क, नेटवर्क पर। एंड प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड वे। प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है, सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है, कॉम्युनिकेट है। नेक्स्ट HTTP. HTTP refer to special format of the text that contain links to other text. Just the way we find links on a web page which lead to other page to create such page, hypertext file are created. अब बात कर रहे हैं हम HTTP की, तो सबसे पहले हमें HTTP की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। What is the full form of HTTP? HTTP is the full form of hypertext transfer protocol. अब HTTP का वर्क क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में HTTP हमारी हेल्प करता है। अब क्या हर एक वेबसाइट को ओपन करने में HTTP हमारी हेल्प करता है, नो। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो हमारी विदाउट HTTP के ओपन हो जाते हैं, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको ओपन करने के लिए हमें HTTP को लगाना कंपलसरी होता है। मीन्स अब HTTP वर्क क्या करता है, HTTP क्या करता है, सपोज करते हैं हमने URL में टाइप किया है www.youtube.com। अब HTTP क्या कर रहा है, जो youtube.com हमने एंटर किया है, इस डेटा को वेब सर्वर तक लेके जाएगा। अब वेब सर्वर क्या करेगा, जो YouTube के अंदर जो डेटा हमने एंटर किया है, जो इनपुट की कमांड दिया है, उस इनपुट की कमांड को आउटपुट में कन्वर्ट करके जो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस रिक्वेस्ट को रिस्पोंड में, यानी कि उसे, उसका हमें आउटपुट देगा, आंसर देगा। यानी कि मीन्स कोई भी हमें वीडियो सर्च करनी है या मूवी सर्च करनी है, डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, तो वे डाटा हम वेब सर्वर तक कौन लेके जा रहा है, ये सारा का सारा डाटा HTTP लेके जा रहा है। नेक्स्ट HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, एंड HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एंड HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, एंड HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक एक्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं हम HTML की, तो सबसे पहले हमें HTML की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए।
HTML stand for hyper text markup language. Second, अब HTML का यूज हम किस लिए करते हैं? HTML का यूज हम किसी भी वेब पेज को रेडी करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज रेडी करने के लिए करते हैं. यानी कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. HTML क्या करता है? किसी भी वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. एंड HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट. HTML के अंदर हम एक सीरीज का यूज करते हैं. अब सीरीज कैसी होती है? सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, फिर हेडिंग, फिर टाइटल, फिर बॉडी. सबसे पहले उनको ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे. तो वो क्या है? वो सारा का सारा डाटा हमने किस वे में किया है? एक सीरीज के अंदर डिफाइन किया है, सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. अब HTML हमें ये बताता है कि किसी भी वेब पेज को कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिस्प्ले करना है. तो इसको हेल्प हमारी कौन करता है, इसको डिफाइन करने में कौन हमारी हेल्प करता है? वो हेल्प हमारी HTML करता है. नेक्स्ट, HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक. अब HTML के अंदर हम कौन कौन से पीसेस का यूज करते हैं, कौन कौन से कंटेंट का यूज करते हैं? पैराग्राफ का, हेडिंग्स का एंड लिंक्स का. ओके बेटा, तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक रीड किए हैं? फर्स्ट वेब सर्वर, सेकेंड नेटवर्क, थर्ड वेब पेज, फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेब पेज, फिफ्थ प्रोटोकॉल, सिक्स HTTP, सेवन्थ HTML. ओके okay?